यहाँ तक आए हो ऑब्वियसली तो आप हेरा फेरी के फैन हो। हे गाइस दिस मंथ शो मैन यू आर वाचिंग साइकिलिंग ऑन नथिंग। और गाइस एक छोटा सा मैसेज देना चाहता था, जो मैंने दो वीडियोस डाली थी स्पोर्ट्स एरिया के ऊपर, आप इस वीडियो को भी उसका थर्ड पार्टी कंसिडर करना। और इस वीडियो में मैंने और मेरे दो भाइयों ने, राहुल और विनय ने, हेरा फेरी जो मूवी है उस मूवी का रिव्यू किया है, क्योंकि वो मूवी हमारे दिल के काफ़ी करीब है और आई होप आप सबके भी काफ़ी करीब होगी। बाकी आप देखो, वीडियो देखो और इन्जॉय करो, और लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, कमेंट करना डायलॉग्स मूवी के, और ठीक है आप वीडियो इन्जॉय करो। और हाँ एक चीज़ और, स्किप मत करना, क्योंकि ना काफ़ी लंबी वीडियो थी, मैंने उसको काट काट के काफ़ी छोटा बनाया है, 14-15 मिनट का, तो आपको मज़ा आएगा। अगर मतलब आप यहाँ तक आए हो ऑब्वियसली तो आप हेरा फेरी के फ़ैन हो, तो आपको मज़ा आएगा और आप मतलब रिलेट करेंगे, मतलब जो भी है आप देखना और मज़े लो। आप फिलहाल वीडियो देखो। शैतान ये तो बोला ये शाम है, हम यहाँ पेशाब करने नहीं बैठे। अब उनको भी दिलाओ ना कोई रैपचिक माल। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। क्या तो क्या कर रहा है, कुत्तों के कोई टुकड़े करता है क्या वो खंबा? दारू दारू जान पहचान नहीं है, कैसे उठा लूं? तो आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और आज हमारा जो सेगमेंट है वो है लेजेंडरी मूवीज, लेजेंडरी मूवीज। यस, उसके साथ ही आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अभी तक हमारे पिछले दो लाइव में नहीं जुड़े थे। काफी लोग कमेंट कर थक गए थे कि कहां है व्लॉग वाले भैया, कौन है मन्नू। यस, तो अब हम आपको मिलाते हैं हमारे मन्नू भाई साहब, मन्नू भाई मार्तन शर्मा, मार्तन शर्मा। आपने इनकी ब्लॉगिंग भी देखी होगी और बहुत तगड़ी ब्लॉगिंग करते हैं ये। विनय भाई है हमारे, और क्या कहें इनके बारे में, शब्द ही कम पड़ जाते हैं, बस यही समझ लीजिए कि विनय सर, विनय भाई, और बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन जो मूवी की आज हम बात करने वाले हैं, काफी टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि हेरा फेरी पे हम करते हैं कुछ, और हेरा फेरी पे आज लेके आए हैं। और हेरा फेरी यार राजू, यार राजू तेरा समस्या क्या है? नाम नौकरी के गौर पावे पैसे तो रही है मेरे पास राजू नहीं, शाम से शाम से शाम की तेरा समस्या क्या? मैं कहता पहले तो वो पूछता है क्या समस्या है, कहता मेरा नाम श्याम है, कहता तो ये समस्या है, तो नाम बदल देने का, इसके लिए गांव से यहाँ आने की क्या जरूरत है। अच्छा ये मूवी ऐसी है कि अगर आज हम अगर इस मूवी को लाए तो इसीलिए लाए कि अगर किसी ने अभी तक मतलब अभी देखी, ऐसा तो वैसे कहीं नहीं होगा कि नहीं देखी हो, लेकिन अगर बहुत पहले भी देखी और अगर आज अगर उसको अगर हम कुछ यहाँ पे जो बातें करेंगे तो शायद उसको वो जरूर सीन से याद आ जाएंगे कि हाँ सीन नॉस्टैल्जिया होगा। देखिए मतलब, गाना गाना आता है नहीं, सीखना पड़ेगा पूरा गाना वाना इधर क्यों कुएं वाला सीन कड़ी नहीं, हाँ कुएं वाला सीन के तेरे को नहाने, अरे बाप रे ये तो बहुत गहरा है, आ तो नीचे जाने का लगे नहाने के लिए तो बाल्टी लेना क्या कह रहा ये शैतान ने कह रहा, कहता ये शैतान यहाँ पे शैतान ये तो बोला ये शाम है, ये तो शाम है, नहीं चश्मा पहना रही, झूठ नहीं बोलेगा। एक वो सीन है जो लास्ट में मुझे याद आ रहा, शायद आप दोनों को भी शायद क्या याद ही होगा, जब वो क्या कहते हैं लड़ने के लिए जा रहे थे, लास्ट का जो एंड सीन होता है उसमें वो टैक्सी के अंदर बाजी में गिर गया, बैठो चेती बैठो चेती, और एक इधर से बंद करता दूसरा उधर से निकल जाता, मैंने कहा यार ओ बाजी में गिर गया। ओ मतलब अल्टीमेट मूवी है यार जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और वो जब खड़क सिंह आते हैं उनके पास, ओमपुरी साहब उस पे वो सब हेलमेट पहन के निकलते, अरे आप तीनों जुड़वा, नहीं नहीं हम तीनों तिड़वा है, तिड़वा है, हाँ तो पहले जुड़वा थे ना बाद में तिड़के। मेरा ऐसा पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि आप लोग इस मूवी के बारे में डिस्कस करते रहिए, मैं सुनता हूँ आपको। हमारी बॉलीवुड में जोड़ियां हीरो हीरोइन की फेमस होती है, लेकिन इस मूवी से हमें ऐसा लगा कि यार ऐसी भी कोई जोड़ी हो सकती है जो तीनों की जोड़ी तिकड़ी, मतलब एक तिकड़ी जोड़ी है कि मतलब अल्टीमेट है कि आप इससे ही नहीं कई मूवीज से लगा, बट स्टार्टिंग सबसे पहले तो ये क्योंकि सबसे पहले यही आई और उसके बाद से फिर हेरा फेरी बनी। आवाज आती है बहू ये आप क्या कर रहे हैं, अरे यहाँ बैठ के नहीं बना और पेशाब कर रहे हो, हम यहाँ पेशाब करने नहीं बैठे। अच्छा मैं एक एक चीज पूछने वाला था उसी के आगे, मैं कंप्लीट कर दूं, उसी के आगे फिर वो बोलते हैं बाबू भैया किसी का नाम मत लो, ए श्याम समझा ना, क्या बोले किसी का नाम, ये तो समझा ना श्याम, राजू बोलता है किसी का नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना, इसी इसी बात का आने वाला था जो पहले इन्होंने बोल दिया, मुझे सबसे बेहतरीन लगा था वो कि कोई किसी का नाम नहीं लेगा, तो ए श्याम तू सुना रे राजू क्या बोला है कि किसी का नाम नहीं लेने का, हेलमेट वाला सीन
जब राजू पकड़ के लेके जा रहा होता उनको भगा रहे होते और एकदम बोलते श्याम बोलता है अरे आपको दिखाई नहीं देता दिखेगा किधर से ये हैमलेट पहना है और जब वो देवी प्रसाद का फोन आता है उसके पास वो फोन करके कहता है कहां से बोल रहे हो तुम अच्छा इधर का एड्रेस चाहिए आकर लिख ले गणेशवाड़ी वो भी एक एक, एक अच्छा एलिमेंट है वो ना वो मच्छी है क्या अरे मैं सब मस्त बस फ्राई करके मैं खा और फिर जब वो फोन रख देता पीछे से सुनील शेट्टी बोलता शाम बोलता हेलो बाबूराव है नहीं देवी प्रसाद है कैसा रख दिया तो भी बात कर रहा है तो मनु भाई आपका जैसे सीन्स के मैं बात नहीं कर सकता कि आपको कौन सा ऐसा फेवरेट सीन होगा क्योंकि आपको सारे सीन याद है और सारे ही सीन्स अच्छे लगते हैं आपको शायद ऐसा लग रहा है मुझे क्योंकि हेरा फेरी में ऐसा कोई ऐसे हम सीन्स की मतलब नहीं बोल सकते कि बेस्ट है लेकिन फिर भी आपका कोई ऐसा बेहतरीन पार्ट है जो आप रोज देखना चाहें या आपको अच्छा लगता हो मुझे कुछ याद आ गया आप कंटिन्यू कर ले हाँ आप पहले कंटिन्यू कर लीजिए मैं फिर विनय भाई को भी पूछता हूँ आप बताइए जरा ऐसे तो वही बात है ऐसे तो एज सच अलग से कोई सीन नहीं है डायलॉग्स वगैरह वो तो कोई भी सीन देख लो उसका तो मतलब वो हो जाता है बंदा ये नहीं कह सकता कि सिर्फ यही वाला सीन पसंद है मुझे वो ये कहेगा कि ये सारी पिक्चर ही दिखाओ अगर देखनी है तो बीच में से कोई पार्ट ऐसा हर एक सीन उसका इतना एक से एक सीन वैसे मैं एग्री करता हूँ मनु से लेकिन एक सीन मुझे भी याद आ गया अगर आप रिकॉल कर पाए दोनों के दोनों उसमें एक सीन होता है कि जब तब्बू उसको मनाने जाती है सुनील शेट्टी साहब को मनाने जाती है बस स्टैंड पे वो चढ़ जाते हैं बस वो बंदा खड़ा होता है असरानी को बोलता है क्या मस्त सेटिंग कराया है अपन को भी दिलाओ ना कोई रैपचिक माल क्या तुम मुझे समझ कर रहे हो कमाल की बात यह है कि हमेशा क्या होता है कि कॉमेडी मूवीज के गाने ना इग्नोर कर दिए जाते हैं इसके गाने भी अच्छे रहते हैं एक एक गाना आप जब वो सारे शराब पी लेते हैं जब तीनों टेंशन में आ गए जो बिल्कुल मिड का सीन है जिससे के बाद फोन आता है जी 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 वो जो गाना है वो कितना अच्छा गाना है कड़की पे कि दिन ठीक हो जाएंगे क्या बढ़िया लिरिक्स हैं उस गाने के मेरे को याद नहीं आ रहा है रातें गई यस बातें गई मनु को कल जो हुआ भूल जा देता चप्पल फाड़ के शायद वो भी इसी का नहीं वो यही हम्बलेला की स्टार्टिंग देने वाला जब भी देता देता चप्पल फाड़ के कित कित कितना कित कित कितना 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 जरूरी है अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पर खैर प्रियदर्शन की मूवी थी तो प्रियदर्शन तो खैर आपको पता ही और कितनी सारी मूवीज है उनकी एक से एक मूवीज है मालामाल वीकली है और हंगामा है दे दनादन भागम भाग पर ये तो अभी की है पर पुरानी जो है वो तो खैर एपिक मूवी है यार ये तो खैर इसका तो क्या ही बताएं ये एक रीमेक था ये हाँ। मलयाली मूवी थी उसका रीमेक था वहां से इन्होंने अडॉप्ट किया था और क्या अडॉप्ट किया है बाद में तेलुगु में भी बनी है जी सुनील शेट्टी को क्या कहते हैं जिस हिसाब से अक्षय कुमार ने अरे सबसे सही तो वो इसमें तो वो बहुत चला था वो क्या था वो जब वो साइन करने के लिए बोलते गोलमाल है भाई सब गोलमाल है आप गाना सुना वो प्रॉपर सीन गुरु घंटाल आदमी है अखबार में ये क्या लिखा है एक किरायेदार ने मकान मालिक की पीट शराबी मकान मालिक की सर पे बोतल मार के हत्या कर दी औरत का चक्कर है औरत का चक्कर है एक दिन इसके नाम से इतनी औरतें घर में आएंगी मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा वो बात पे जब वो आप तो बाहर जाने वाले हैं सुनील शेट्टी जी आते हैं और वो अपनी मम्मी के लिए वो क्या कहते हैं अक्षय कुमार जब वो फर्जी वो जब दिखा रहे थे तो यहाँ ना मैं अपने गुरुदेव की फोटो लगाऊंगा बाबा बहुत बड़े बाबा है जो दोस्तों के बीच की जो बॉन्डिंग होती है लाइक कॉमेडी भी है थोड़ा एक दूसरे के छिल भी रहे हैं मजाक मस्ती सब चीजें मतलब बहुत मतलब हरामीपन है दिमाग में लेकिन दिल के साफ हैं मतलब मजबूर हैं जी जी तो इनोसेंस वो दिख रही है हर कैरेक्टर में बाबूराव की कोई स्टोरी है कि इसका बाप ने ये गैराज बनाया था फिर ये कुछ कर नहीं पाया राजू की एक अलग स्टोरी है कि माँ को बहाना दिया हुआ है ये बेचारा सताया हुआ कर्जे का हमारा गांव से आया नौकरी करने और फिर तब्बू मिल जाती है तो वहां भी कुछ नहीं कर पाते खुद और उसके बाद भी जाके यही बोलते हैं कि भाई साहब हमारी हमें मजबूरी है बच्ची इसलिए किडनैप कर रहे हैं वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कबीरा सर दे दो कहता तेरे कुत्ते के टुकड़े टुकड़े करके तेरी पोती को खिला देंगे क्या कर रहा है कुत्तों के कोई टुकड़े करता है क्या वो वाला सीन जो वो बोलते हैं कि वो जो भी मल्टीप्लेक्स होता है उसके सामने नहीं उसके पीछे मत आना उसके सामने आ गया ना मतलब ये मूवी कसम से बहुत ही मतलब मैं तो बताऊं कि मैं बहुत बड़ा फैन हूं इस मूवी का मैं तो जब भी आती तब भी देखता हूं और अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम लोग YouTube पे देखते हैं तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन इसका कोई ना कोई क्लिप पड़ा हुआ है कुछ 30-35 मिनट का मैं देखता रहता हूं मतलब कभी भी मतलब नहीं वो उठाले वाला सीन जब वो शुरुआत में तब्बू एंट्री होती है नहीं वो नहीं जब वो उठा ले
जान पहचान नहीं है, कैसे उठा लूं, कम से कम 40-50 किलो की तो होगी। फिर वो आपने जो देखा होगा, कहते हैं एक वो जो सीन जो अक्षय कुमार की जो एंट्री होती है, कितनी फाड़ू एक्टिंग होती है ना, मतलब कि बंदा ये कर रहा है, एक्टिंग या एंट्री, सॉरी मतलब एक्टिंग, मतलब इंट्रो जो होता है उसका, जो स्टार्टिंग जो होती है, तो वो तो उसके गाने से ही होती है, गाने से होती है, लेकिन हकीकत में क्या होता है, प्रेस लेके, प्रेस लेके वो वैसे थप्पड़ मारता है, तेरी ये क्या है, सूट था, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, फिर वो क्या था, पिछले हफ्ते आपने पजामा जला दिया, उससे पहले साड़ी जला दी थी, इतनी तरक्की, थैंक यू सर, व्हाट सॉरी, व्हाट थैंक यू, ये ऐसे तो यूं बनाऊंगा मैं शॉर्ट कट तरीके से। कुल मिला के ये मूवी ऐसी है ना, जिस पे देखिए देखिए, सच बताना ये तूने किया ना, और मैंने किया, और तेरे को लगा लूंगा तो नहीं, बाबू भैया राजू का स्टाइल, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो इस मूवी के बारे में, मतलब हम लोग जितनी बातें कर रहे हैं उतनी कम है, देखो चुप रहे, देखो ये अब चले गए, और जब वो शुरुआत में जब उसका बैग वैग बाहर फेंक देता, वो कहता है मैं जा रहा हूँ, चल 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 चल, मैं सच में चला जा रहा हूँ, तो जा रहे, और फिर उसको कहता तू चोर तो नहीं है ना, कहता नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूँ, उसको 200 रुपए देता, कहता ये ले थैंक यू, नकरे खंबा ले क्या, खंबा दारू दारू, तो देखिए जिस तरीके संतरे का बोतल लेके, यहाँ जिस तरीके से हमारे दोनों ना ये बंदे, मतलब पूरी तरीके से रिकॉल करके आज पूरी सिनेमा इन्होंने मेरी आंखों के सामने चला दिया, मतलब मैं सुनने में मजबूर हूँ, सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे कि बहुत ही, मतलब इतनी अच्छी मूवी है वो कि जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप इसके लिए, मतलब इस मूवी के लिए ना, मतलब मैं इतना एक्साइटेड था जब शुरुआत में जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था, तो मैं जब ये आई मूवी तो मैंने बहुत ही इंजॉय करा इस मूवी को, और आज भी मैं इस मूवी से बहुत रिलेट करता हूँ कि ये जो हेरा फेरी की जो सीरीज चलते आ रही है, अभी शायद मेरे ख्याल से जो नहीं आ रही उसमें भी अक्षय पाजी दोबारा शायद वापस आ गए हैं, मेरे को मतलब उतना क्लियरली आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ अगर आए तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक इंटरव्यू में बोला था सुनील शेट्टी साहब से, पूछा गया था कि क्या सीन है हेरा फेरी, क्या था अक्षय के बिना तो नहीं बन सकती, क्योंकि हमने वेलकम टू देख ली, वेलकम बैक जो आई थी, अक्षय के बिना वो एलिमेंट मिसिंग, और गुलशन ग्रोवर भी है, गुलशन, तो ये चीजें मैं मतलब चाहता हूँ कि कुलभूषण खरबंदा थे, कुलभूषण देवी प्रसाद, यस देवी प्रसाद, अच्छा देवी प्रसाद, यस कुलभूषण अखंडा के बाबू, अखंडा, अच्छा मन्नू भाई मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप चाहते हैं कि ये ऐसी सीरीज, ये जो हेरा फेरी चलती आ रही है, हाँ। ये आगे आप और हाँ। देखना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कम से कम 10 पार्ट बनने चाहिए हेरा फेरी के, सही में, क्योंकि जिस हिसाब से था इसमें, और ये तीनों ही होने चाहिए जो तीनों थे, कोई इसको आप रिप्लेस मत करिए, कोई नहीं कर सकता खैर इस सीरीज के लिए, तो मैं तो कह रहा हूँ 10 इसके वो बनाओ, 10 मूवी बनाओ, हेरा फेरी 10 तक हो, जैसे फिर ऐसे फिर 10 तक हो, लेकिन एलिमेंट वो ही रहे, एलिमेंट तो वो रहेगा ही, वो तो इनोसेंस है, जो बाबू राव की इनोसेंस है, और या फिर शाम की इनोसेंस है, अल्टीमेट है मूवीज की बात, तो हम लोग अगर जितना भी करें इस मूवी के लिए कम पड़ जाएगा, तो जी राहुल जी, एक कॉमन क्वेश्चन है मेरा आपसे जी, दोनों से जी, अगर ये मूवी आज के टाइम पे, आज के मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर अगर हॉल में अगर आज रिलीज होती, तो आपको क्या लगता है कि कितने कलेक्शन करती है? यार कलेक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन आई बिलीव के अगर अच्छा कंटेंट है और वो उस टाइम पे भी अच्छा नहीं करता है जिस टाइम पे वो रिलीज हो रहा है, जैसे कि बहुत सारी मूवीज के साथ हुआ है, अब आपने ही लेजेंडरी मूवीज में अंदाज अपना अपना की थी, वो उस टाइम पे फ्लॉप कर गई थी, लेकिन उसके बाद आने वाले सालों में कंटेंट अच्छा था वो हमेशा हिट होगा, तो अगर कलेक्शन नहीं जा रहा है, वैसे अगर अभी भी ये मूवी रिलीज हो तो अच्छा कलेक्शन करेगी, लेकिन अगर नहीं भी करे तो अच्छा कंटेंट है वो हमेशा चलेगा, वो हमेशा चलेगा, आप रोक ही नहीं सकते अच्छे कंटेंट, नहीं अंदाज अपना भी, खैर मेरे को अभी तक विश्वास नहीं होता कि वो कैसे हो गई थी, फ्लॉप कैसे हो गई, अभी भी अगर कोई भी हम कॉमेडी मूवीज में उसमें टॉप 5 में हेरा फेरी और अंदाज अपना तो दोनों आती ही आती है, और सबकी आती होगी मेरे हिसाब से, सबसे बड़ी बात। अरे मास्टर गोगो आपका घाघरा, अरे यार वो मूवी भी अल्टीमेट है यार, आप भी इस मूवी को देखिए, नहीं देखी है तो दोबारा देखिए और देखते जाइए, वैसे तो देखी होगी आपने, ये तो हम फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहे हैं, पर हमने आपने देखी होगी, हमें पता है 100% करिए कि जो भी हमने आज बातें की कि क्या आप भी उन्हीं डायलॉग से रिलेट कर पाते, क्योंकि कमेंट करिए डायलॉग्स, कमेंट करिए आप भर दीजिए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, आज के टाइम पे भी ऐसे कंटेंट मतलब आते हैं, बनते हैं, यस मतलब एक तरह से हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है ये, तो बातें होने वाली हैं जो भी हम आगे करेंगे, उसको देखने के लिए आपको पहले हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, घंटी दबानी पड़ेगी, ताकि कोई भी जैसे हमारी नई मूवी हम लेके आते हैं तो आपके पास सीधा के साथ नोटिफिकेशन आ जाए, ऐसे करते देखिए, ये इसीलिए मैं चाह रहा था कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं ये सब चीजें करूँ, क्योंकि ये दोनों का ही था, मैं तो बीच में आज इसलिए बैठा हूँ,
हेरा फेरी की बात होनी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया तो मैं इसलिए यहाँ आ गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप एक बार वहां बैठ के एक बार हल्का सा परेश रावल साहब की, मैं यहाँ बैठ के भी कर सकता पर वो आपका क्लोज नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, नहीं ना फिर मजा नहीं आएगा। आइए आइए, डू दी नॉट आइए नयाल, आप इनका एक बार क्लोज देना प्लीज, और आप एक बार थोड़ा सा दर्शकों को अपने हिसाब से, परेश रावल के हिसाब से आप एंड करिए, बाबू राव के हिसाब से प्लीज। यार बाबू राव गणपत राव वक्त बाबा या श्याम राजो, यार इधर भी मेरा श्याम और राजू दोनों बैठा रहे बाबा। वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का बाबा, नहीं तो मैं तो तेरे साथ मच्छी खाए करे यार बाबा।